सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को हमारे गठबंधन की सरकार बन रही है और अखिलेश सीएम बने जा रहे हैं। वहीं सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर केशवदेव मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के सफाया होगा। देखिए, बात सीटों की दो की नहीं है, हमने उनसे सीटें मांगी हैं, दो तो परिवार के लिए मांगी हैं, अपने दोनों बेटों के लिए 2 सीट मांगी हैं, इसके अलावा मैंने सीटें मांगी हैं और वो उस पर सहमत हैं, वो सीटें उस पर देने के लिए तैयार हैं और जल्दी ही उसकी घोषणा आपके सामने होगी। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं लेकिन कोई विलय नहीं हमारा, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन में चीज़ें हिस्सेदारी की होती हैं, हिस्सेदारी हुई तो गठबंधन आगे चलेगा। एक तरफ चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ ही रैली पर रोक लगा दी तो पार्टियों ने डोर टू डोर प्रचार के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें सबसे पहले सामने आई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया और कार्यकर्ताओं को प्रचार का प्लान बताया। वहीं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रचार की रणनीति बताई। कोरोना के चलते चुनाव प्रचार पे कई पाबंदियां हैं लेकिन डोर टू डोर प्रचार करना अलाउड है। आज से, अभी से डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दो। कैसे करना है डोर टू डोर? जब भी किसी के घर जाएं तो सबसे पहले उनका हालचाल पूछें, उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले उनकी मदद करें। चुनाव प्रचार भी हमारे लिए सेवा करने का एक मौका होना चाहिए। फिर उन्हें बताएं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमने क्या क्या अच्छे काम किए। नियम बनाया है कि आप वर्चुअल माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं, 5-5 लोगों की टीम बना के डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने कोरोना की महामारी को देखते हुए इस फैसले का स्वागत किया और हम अपने चुनाव प्रचार की तैयारी में लग गए हैं। आज हमारी दूसरी केजरीवाल गारंटी की वर्चुअल सभा थी, कल मैंने एक वर्चुअल सभा की थी, आज भी की। इसमें 403 विधानसभाओं में जहां पे हमारा संगठन है, पदाधिकारी हैं, वो लोग जुड़े थे। आम जनता को भी इसका मैसेज भेजा गया, उनसे अपील की गई फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि आप आइए, यूट्यूब पे कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। वहीं यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर हमला बोला। मायावती ने चुनाव आयोग से सख्ती की मांग की। फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है। खासकर दलित व अन्य कमजोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सके। इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। मायावती ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर हमला बोला। सपा के बारे में कहा कि ये जोड़ तोड़ वाली पार्टी है, 400 सीटें जीतने का उसका दावा, 10 मार्च को हवा हवाई हो जाएगा। देश में यहाँ एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के निकाले हुए लोगों के सहारे व अनेकों पार्टियों के साथ गठबंधन करके इस चुनाव में 403 में से 400 सीटें जीतने का सपना देख रही है और अब इनका ये सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवा हवाई होने वाला है। अपनी पार्टी के आपराधिक तत्वों को बचाती है और केवल दूसरों के खिलाफ ही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है, जैसा कि यूपी में वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जिस कारण ही यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। चंदौली में मतदान की तारीख 7 मार्च को है और उसके लिए 10 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन की तारीख है। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद चंदौली में आचार संहिता पूरी तरह से लागू हो चुकी है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड नियमों का खास ख्याल रखा जा रहा है।